हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो है भिन्न एवं उनके प्रकार, मतलब फ्रैक्शन एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो अमूमन ये भिन्न होता क्या है? तो फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी पदार्थ का एक भाग होता है, जैसे एक टुकड़ा जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी होल पूरे पार्ट का एक टुकड़ा, एक भाग ही क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, तो अमूमन जनरली डेली भाई बहनों के बीच में ये कॉमन झगड़ा चलता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ को लेके, वो ज़्यादा पा गया, वो कम पा गई, ऐसा करके होता रहता है। चलिए उसी का एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये एक चॉकलेट है, नॉर्मल चॉकलेट जब आप लेते हैं तो क्या होता है, कुछ पार्ट्स में वो बीच बीच से डिवाइड रहती है ना। तो वैसे ही ये मान लीजिए आपने एक चॉकलेट ली, उसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है वो चॉकलेट। ठीक है, आपने घर लेके आई उसको, चॉकलेट को लेके आया आपने। ठीक है, मम्मी ने बोला कि बेटा शेयर करके खाना, अपने सिस्टर को भी देना, अपनी बहन को भी देना। अब आपको लगा कि मैं लेके आया, अब मैं उसको क्यों दे दूँ? तो फिर आपने सोचा चलो मम्मी ने बोला तो दे देते हैं। ठीक, तो आपने क्या किया, अपनी बहन को देना तो चाहिए आधा वैसे, लेकिन आपने क्या किया, आधा ना दे के केवल एक पार्ट दिया। ये पार्ट आपकी सिस्टर को मिल गया और ये पार्ट आपको मिल गया। ठीक है, तो अब इसको हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में कैसे बताएंगे कि आपकी सिस्टर को कितना मिला और आपको कितना मिला? तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। ये पार्ट, केवल एक पार्ट, कितना आपने अपनी सिस्टर को दिया है? एक पार्ट। किसमें से, कितने भाग में से, कितने भाग में से कितना भाग दिया? चार भाग में से एक भाग दिया, तो एक भाग दिया, टोटल कितने भाग थे? चार भाग थे। तो मतलब कि जो आपकी बहन को मिला है वो कितना मिला है? 1/4 मिला। ठीक है, आपको कितना मिला है, खुद को कितना मिला? 1 तो 3 भाग मिला। ठीक है, और कितने में से? 4 में से। तो ये क्या है, एक प्रकार से भिन्न ही तो हुआ है ना। ये पिज्जा है, पिज्जा में भी लड़ने लगते हैं, नहीं मैं लूंगा ज्यादा, वो कहेगी नहीं मैं लूंगा, तो उसमें भी क्या होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, उसमें भी काट के तोड़ के बहुत से उसमें चुना, भाई बहन तो वो लेके आते हैं स्केल, मतलब पटरी से नाप के कि थोड़ा सा भी ज़्यादा ना मिलना चाहिए उसको या थोड़ा सा भी ज़्यादा उसको नहीं मिलना चाहिए, तो वो क्या है, फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, भिन्न होते हैं। तो ये 1/4 मतलब जितना सैडेड पोर्शन होता है वो ऊपर जाएगा और टोटल जो होता है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भिन्न का कॉमन। ठीक है, 1/4, 3/4 पढ़ते हैं इसको और लिखते कुछ ऐसा, 1/4, 3/4 मतलब ये जो लाइन है वो बटा होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो पहला है उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, तो अगर हम किसी भिन्न की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला होता है। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं या न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं या डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंश हो गया, एक यहाँ पे अंश है, हर 4, अंश 3, हर 4, समझ गए। तो अब अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, उचित भिन्न की बात करें, तो वो क्या होता है, ऐसे भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो लिखा है आप उसको ध्यान से देखेंगे, इसमें अंश 1 है, हर कितना है, 4, तो 4 से छोटा है 1 है। यहाँ पे भी देखिए 3 छोटा है, 4 बड़ा, तो अंश जब छोटा रहेगा किससे, हर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की और हम बात करें तो यहाँ पे लिख दीजिए, पहले लिख सकते हैं थोड़ा सा कि अंश क्या है, छोटा होता है किससे, हर से। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 2/3, 7/9, 11/12 ऐसे करें। देखिए नीचे अंश सब में बड़ा, 3 में, यहाँ 3 बड़ा है, 2 छोटा है, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न, जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, मतलब ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। ठीक है, तो कैसे, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट में हम इसको लिखना चाहें या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अंश जो है वो बड़ा हो
या बराबर हो किसके, हर के, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5/3, 13/5, है ना। देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, ठीक है। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो वो है इकाई भिन्न, नाम से समझ में आ रहा है यूनिट फ्रैक्शन, मतलब जिसके अंश में एक हो, ठीक है। हर में कुछ भी हो सकता है लेकिन अंश में क्या हो, केवल एक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अंश कितना हो, एक, ठीक है। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एक के नीचे कोई भी संख्या ले लीजिए लेकिन अंश में बस एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, यूनिट फ्रैक्शन या हम इकाई भिन्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं समान भिन्न की, जिसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसा भिन्न जिसके हर समान हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे समान भिन्न। हर समान होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमने ढेर सारे अगर हम एग्जाम्पल लें, 2/3, 5/3, 7/3, 8/3, 10/3, ये सारे अगर एग्जाम्पल देखिए सब में हर क्या आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं या असमान भिन्न किसे बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन उसे बोलते हैं ऐसा भिन्न जिसके हर समान ना हो, तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। वो किसमें आ जाएगा आपका, असमान भिन्न में। ऐसे करके कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिश्र भिन्न की, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न में क्या होता है, भिन्न तो होता ही है साथ में एक पूर्ण संख्या भी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ये एक है चॉकलेट, ठीक है, एक चॉकलेट और ले लेते हैं, ठीक। मैं आपसे बोली या आपने दो चॉकलेट लेके आए, ठीक है, एक चॉकलेट आपने क्या की पूरी ले ली, ठीक, और अपने छोटे भाई को बोला कि मैं केवल एक ही लेके आया हूँ, तो छोटा भाई क्या बोलेगा, ठीक है एक ही लाया हो तो आधा आप ले लो आधा मुझे दे दो, यही बोलेगा, है ना। तो हुआ क्या, आपको कितना मिल गया, ये भी मिल गया पूरा मिल गया, और इसमें का आधा भी मिल गया, क्योंकि आपने झूठ बोल के आधा ले लिया ना उससे, आधा तो वो पा गया, ठीक है। तो आपको कितना मिला, 1 ये मिल गया और हाफ ये मिल गया, यही हुआ। तो इसी को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे तो उसको ये मिल सकते, ठीक है। तो आपको कितनी चॉकलेट मिल गई, 1 1/2, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे ही होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या क्या सकते हैं, ऐसे करके 1/2, 2/5, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न, ठीक है। अब मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो उसका तरीका ये, जैसे लिखा है 5, इसको पढ़ते हैं 5 3/7, 5 whole number 3/7, ठीक है। तो इसको अगर हम चेंज करें इसमें सिंपल, जैसे ये सिंपल फ्रैक्शन है साधारण भिन्न है, अगर इसमें हम चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, नीचे वाले को, मतलब ये हर यहाँ पे कितना है 7 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 5 7 5 35, ठीक है। उसके बाद जो न्यूमरेटर में है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और डिवाइड में ध्यान रखिएगा जो था वही रहेगा, मतलब हर जो था वही आगे रहेगा, ये नहीं बदलेगा। 35 और 3 जोड़ दीजिए 38, इजी है, ठीक है। ऐसे ही इसको भी आप कर सकते हैं, 5 1 5, ऊपर वाला जोड़ जाएगा 2 7 7/5। तो ये तरीका होता है कि मिश्र भिन्न को कैसे हम साधारण भिन्न में बदलते हैं या चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ये
ये आपने पढ़ा तो है बच्चों, लेकिन भूल जरूर गए होंगे कि इतने टाइप्स की भिन्न होती है। सिंपल आपको पता होगा मिश्र भिन्न ज्यादा इस समय यूज होता होगा आपका, और साधारण भिन्न सिंपल सी बस, और बाकी आपको पता नहीं होगा कि हाँ और भी टाइप्स होती है। ठीक है, तो अब अगर हम भिन्नों की जोड़ की बात करें, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इसकी बात करें, तो एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जाहिर सी बात है भिन्नों की जोड़ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो तीन चार पाँच ऐसे करके ढेर सारे भिन्न होंगे जिनके बीच में क्या लगा होगा, प्लस का साइन या धन का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमें ये जोड़ना है, ये सबसे इजी होता है। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो ये किस प्रकार का भिन्न है, सम भिन्न है ना, लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनका हर क्या है, बराबर है ना। तो ये सबसे इजी होता है सॉल्व करना। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल, बस जो इसका अंश है मतलब जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में एज इट इज जैसा लिखा है, पांच लिखा है तो उसको हम लिख देते हैं बस। तो चार धन सात ये एक ही बार लिखते हैं, जोड़ दीजिए 11/5, ये तो हो गया साधारण भिन्न। ठीक है, ये इजी भी था, लेकिन यहाँ पे आंसर इतना नहीं माना जाता। अभी आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, तो ये आप कैसे बदलेंगे, तो इसका तरीका देखिए कैसे बदलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 11/5 का मतलब कि 5 से हमें किसमें भाग करना है, डिवाइड किसको करना है, 11 को, 11 को। ठीक है, तो 5 से 11 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा ना आ गया। ठीक, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में या मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, जो आपका ये भागफल आया है, ठीक है, उसको यहाँ लिखेंगे आगे, ये आपका होल पूर्ण संख्या होगा। ठीक, अब एक जो शेष फल आया है ऊपर और नीचे वाला कभी नहीं बदलता, वो उतना ही रहता है। ठीक है, इसी तरह फिर से समझ लीजिए कैसे करना है। ये जो दिया है इसमें जो नीचे नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करेंगे, भाग किए दो बार जाएगा, 5 × 10 एक शेष आ गया। ठीक है, भाग फल को हम आगे लिखते हैं, शेष फल को ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग किए हैं वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, इजी था ये भी। ठीक है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर ये उल्टा हो जाए, 11/5 की जगह अगर 5/11 हो जाए, तब हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर ये होता 5/11, तब क्या 11 से 5 में भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे रहेगा, अंश बड़ा रहेगा, अंश बड़ा कब होता है, कौन से भिन्न में, उचित की अनुचित, अनुचित भिन्न में है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तभी हम उसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो ये तो इजी वाला हो गया। फिर हम दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बच्चों दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं, जिसमें से एक मेथड आपने किया भी होगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं उसी मेथड से बताऊंगी, एक और मेथड होता है उसको मैं उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप ये ध्यान देंगे तो ये कौन से भिन्न है, मिश्र भिन्न है ना। सबसे पहला काम है कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक, तो बदल लेते हैं, 2 × 1 = 2 9 × 9 और 4 = 13/9। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम मतलब लासा निकाल लेते हैं, तो 2 और 9 का लासा निकाल लेंगे हम। ठीक है, कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे मतलब हर से हर में हम भाग करेंगे, पहाड़ा पड़ेंगे, 2 का पहाड़ा पड़ेगा 18 से ज़्यादा ना जाए, 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, 9 से 9 पहले लिख दीजिए, बूढ़े अंश में जो है वो लिख दीजिए, प्लस 9 का पहाड़ा पड़ेगा कितनी बार जाएगा, 9 × 18 दो बार ये 2 × अंश में कितना है 13, फिर 9 × 3 = 27 13 × 26/18 जोड़ दीजिए, 26 और 27 कितना हो जाएगा 53/18। अब इसमें देखिए ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है, भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो भाग देगी इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम, कितनी बार जाएगा 18 का 53 में करिए, 18 × 56 = 14 दो बार जाएगा, इतना ही आएगा
ठीक है। तो ये आपका आ गया ऐसा सॉल्व करने के लिए। एक और मेथड क्या होता है, ये तो पहला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं, मे बी आपको इजी लगे, है ना। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, इसको हम साधारण ढंग में नहीं बदलेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका दिया है, एक सही एक बटा दो, एक सही चार बटा नौ, ठीक। तो सबसे पहले जो ये होल नंबर पूर्ण संख्या दी है, इसको हम अलग से जोड़ लेंगे। एक है प्लस एक है एक, दूसरा कोष्टक लगा लिए, ठीक है। दूसरे कोष्टक में क्या क्या बचा, इसमें से एक तो आ गया ना, एक बटा दो बचा प्लस चार बटा नौ, ठीक। समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए। जो ये आगे लगी है संख्या, पूर्ण संख्या जो आगे लिखी है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। दोनों में एक एक था, दोनों में से एक एक ले लिए, ठीक। प्लस का चिन्ह लगा था तो प्लस ले लिए, माइनस होता तो माइनस लेते, ठीक। अब अंदर क्या बचा, वन अपॉन टू प्लस फोर अपॉन नाइन, ठीक। अब एक और एक जोड़ दीजिए दो, और इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे आप सॉल्व करते हैं। दोनों का लासा आ जाएगा अठारह, कितनी बार जाएगा, नौ बार जाएगा। नौ गुणे एक, नौ गुणे अठारह दो बार गया, गुणे चार, नौ इकन नौ, चार गुणे आठ बटा अठारह जोड़ लीजिए, नौ और आठ कितना हो गया, सत्रह बटा अठारह आ रहा है दोनों से, सेम है, इजी है, ठीक है। देख लीजिएगा, मे बी ये आपको इजी लगे, वैसे ही इजी होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस मेथड से भी कुछ क्वेश्चंस आप लगा के चेक करिएगा कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही हम घटाने की बात करें तो जोड़ हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर ऐसे ही हम घटाने की बात करें तो घटाने में भी कुछ करना नहीं है, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये घट जाता है ना, घट जाएगा, सत्ताईस में छब्बीस गए एक, तो आंसर आपका आ जाता है एक बटा अठारह, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका जो गुणा और भाग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। कुछ क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, इन्हें आपको खुद से प्रयास करना है, और जो मैंने दो मेथड बताए उसे ज़रूर यूज करिएगा। सेकेंड मेथड तो और भी, जिससे आपसे वो भी बनने लगे।